आज भारतीय जनता पार्टी व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में आज सियाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के विधायक देवेंद्र सिंह लोधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर केक काटकर उसके बाद विधिवत सीएससी परिसर में लगे ऑक्सीजन प्लांट का भी उद्घाटन किया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दवाई लेने पहुंचे मरीज को सियाना विधायक देवेंद्र सिंह लोधी ने फल भी वितरित किए हैं। इस मौके पर सीएमओ बुलंदशहर विनय कुमार सिंह, एसडीएम सियाना सुभाष सिंह व सियाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी रविंद्र कुमार व महिला मोर्चा सियाना अध्यक्ष संजू चौधरी, बोला चौधरी, भाजपा सदस्य, सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। सियाना विधायक देवेंद्र सिंह लोधी ने बताया, कोरोना महामारी में ऑक्सीजन की कमी के कारण बहुत से लोगों की जान चली गई थी। अगर तीसरी लहर आती है तो ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत न हो, इसके लिए जिले में सभी 16 सीएचसीओ में ऑक्सीजन प्लांट लगा दिए गए हैं। सियाना विधायक देवेंद्र सिंह लोधी ने फीता काट कर विधिवत पूजा अर्चना कर ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया है और साथ ही बटन दबाकर ऑक्सीजन प्लांट को चालू किया। सर, आज ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया है और आज प्रधानमंत्री जी का एक विशेष प्रोग्राम था, वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा लगाई जाएंगी, तो कितनी लोगों को वैक्सीन लगाई गई है आज के दिन? हमें जो रूटीन का टारगेट है, जो हमारा नियमित टारगेट जो वैक्सीनेशन का है, वो 22,500 का है जो जनपद बुलंदशहर में, लेकिन उससे लगभग 3 गुनी हम यहाँ पर आज एक टारगेट हमें मिला है अचीव करने के लिए, तो हम कोशिश कर रहे हैं पूरा टारगेट अचीव कर लें। बृहद प्रोग्राम हमने चला रखा है। सर, जनपद में अब तक कितने ऑक्सीजन प्लांट बनाए गए हैं और कितने जो है चालू हो गए हैं? जनपद में हमारे सारे प्लांट चालू हैं, जो हमारा एक प्लांट जो उसका बस ड्राई रन होना रह गया वो भी चालू है जिला चिकित्सालय बुलंदशहर में, वो भी हमारा बिल्कुल तैयार है, बस उसका कंपनी आकर के आज या शाम को या कल सुबह ड्राई रन ट्रायल दिखा करा देगी, तो वो भी चालू है, सब चालू है, 15 के 15 प्लांट चालू है। थैंक यू।